शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Piper warning, 4.5 northwest, taking evasive action over. Piper two. Hell. Mayday, I'm hit. Eagle one, check engine parameters. Aggressive control, losing height. Eagle one, eject. Sir, मुझे लगता है कि मेरे कैमरे में कुछ important pictures हैं. Height लेके guiding करने की कोशिश करता हूँ. Sit, don't be silly. ज़्यादा height lose करने के बाद तुम eject नहीं कर पाओगे. कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा सर कि कितना मुश्किल. See you on the ground. Base to Eagle one, तुम control lose कर रहे हो. Eject. Eject. Sir, Eagle one radar पे नहीं है. Eagle one, aggressor. Can you hear me? Eagle one, can you hear me? Sir, वो देखिए. क्या है पानी? अरे सैमी बॉय यार, तुम बोरी पीटते रहोगे या आकर हमारे आज के हीरो को कंग्रेचुलेट भी करोगे? बाहर हंगामा हो रहा है, जानते हो साइडी ने जय ची जय मिसाइल से हिट हुए एयरक्राफ्ट को उतार लाया और हीरो बन गया. पहले जाके पूछ मिसाइल लगने क्यों थी. बेटा मेरी जगह उस प्लेन में अगर तू होता ना तो प्लेन समेत तेरी हड्डियों का ढांचा बॉर्डर के उस पर खेतों में पड़ा होता. मिसाइल क्यों लगने दी? Take a walk. Come on, guys. You take a walk. Come on, guys. Come on, grow up. तुम दोनों का पिछले जन्म का कोई बैर है क्या? हाँ? हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है. जा भाई जा, जा, जा. बोरी पीटो. और तुम, मैंने कह दिया था डीब्रीफिंग के बाद तुम घर आ रहे हो. आंटी चिंता कर रही होगी. जा भाई जा, जा. और तुम भी जाओ, जाओ लगे रहो. इसीलिए नहीं चाहती थी कि आपकी तरह एयरफोर्स ज्वाइन करे. आधी जिंदगी जहाज उड़ाकर बाप ने कलेजा गले में अटकाई रखा. बाकी क्या जिंदगी बेटा वही करेगा. किसी दिन मुझे हार्ट अटैक हो गया ना, लेकिन मेरी फिक्र किसे है. मैं देखता. हेलो. हाय डार्लिंग. ओ हाय स्वीट. घर पर छुट्टी मना रहे हो हमारे बिना? नहीं अभी सॉरी से. प्रोग्राम है कि नहीं? हाँ मिलते हैं ना. पक्का? बिल्कुल. अभी नहीं. प्लीज कहो ना. नहीं कह सकता. प्लीज कहो ना, दिस इज नॉट फेयर. अभी नहीं कह सकता. प्लीज कहो ना. समझा करो, अभी नहीं कह सकता. बट यू डू लव मी नो. एब्सोल्युटली. ओके ओके बाय. क्या चलिए. नहीं नहीं, जो कोई भी थी बेचारी कुछ अच्छा ही कहलवाना चाह रही होगी. कह देते. वैसे गर्लफ्रेंड नंबर कौन सी थी? डैड खुले दिल वाले दोस्तों का हिसाब नहीं रखते. अच्छा. बेटा तुमने तो दिल की जगह कंपनी बाग पाया है. पता नहीं किस किस को टहला रहे हो. बाज आ जाओ, कहीं तुम्हारी माँ ने खाता खोल लिया ना तो तुम तो पिटोगे ही. बाप ये कहकर पिटेगा कि लड़के को बिगाड़ा आपने. Anyway, ये फोटोग्राफ जो तुम बचा कर लाए हो ये कितने क्रूशियल हैं? एनी गेसेस? पता नहीं डैड, पर मुझे लगता है इनमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा. वैसे भी दुश्मन की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बाकी तो टॉप ब्रास ही बताएगा. अरे सिद्धार्थ ने कमाल किया. उसके जहाज की हालत देखकर ग्राउंड क्रू हैरान था कि वो वापस कैसे आ गया. ओह ही इज अ ग्रेट पायलट सर, बड़ा तेज लड़का है. मुझे उसकी इंस्टिंक्ट्स पर पूरा पूरा भरोसा है. उसकी लाई हुई फोटोग्राफ्स डेवलप हो जाएं, तो हमें कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा. आई एम एब्सोल्युटली श्योर. बॉर्डर पर एक्टिविटी बढ़ती जा रही है. अगर इन तस्वीरों से कोई सबूत मिल गया तो हमें जंग की तैयारी करने की खुली छूट मिल जाएगी. कश्मीर की हवा में गर्मी बढ़ गई है सर. इस बार मुकाबला आर या पार का होगा.
मेरी हेडक्वार्टर से बात हुई थी। इन फोटोग्राफ्स को एनालाइज करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम दिल्ली से आ रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। राइट सर। अभी अभी श्रीनगर से खबर मिली है कि उनका एक पायलट हमारी फ्रंटलाइन की जो तस्वीरें खींच कर ले गया है उसी के बिना पर वो लोग आगे की तैयारी करेंगे। लेकिन जो वो नहीं जानते उसकी तैयारी वो कैसे करेंगे? जनाब हमारा सबसे काबिल एजेंट फतेह अफगानी सरहद के उस पार पहुंच चुका है। वेलकम बैक बारिक। वेलकम पाटी। हाँ क्या हाल है दोस्त? आपका हाथ पढ़ने से पहले तो ठीक था मैडम, आप खाती क्या है? ओह शट अप, ये लड़कियों की तरह बिहेव करना बंद कर दो। वैसे दोपहर को स्क्वाश में मुझसे दो चार गेम हारने का मूड है ना? फॉरगेट, सबको 1500 आवर्स पर ब्रीफिंग है, आराम करने के लिए वक्त बहुत कम मिलेगा। चले चले मतलब गिव मी द कीज, आई एम ड्राइविंग। सबसे पहले मैं फ्लाइंग ऑफिसर सिद्धार्थ सिंह को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो अपनी जान पर खेल कर ये तस्वीरें बचा लाए। थैंक यू सर। फेलो ऑफिसर्स, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि जंग का माहौल गहराता जा रहा है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर के आसमान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए हमारा एयरबेस दुश्मन के सबसे पहले निशानों में से एक होगा। यह है एयरबेस का ताजा नक्शा। एंट्री, क्वार्टर गार्ड, रनवे, कंट्रोल रूम और रडार। जूर जनाब, तुम जल्द से जल्द मेरे यहाँ दाखिल होने का इंतजाम करोगे? जी बेहतर। ताहिर, असलहा निकल चुका है भाईजान, और इंशाल्लाह जुम्मे तक हमारे हाथ में होगा। चार्ली, उस एक्सरसाइज में मैंने पहली बार कोबरा मनुवर ट्राई किया, कैरी मेरे पीछे था, मैं सीधा ऊपर गया, थ्रॉटल किल किया और कैरी मेरे आगे, और पीछे से मैंने मिसाइल लॉक कर दी। बेचारा कैरी शिकारी बनते बनते खुद शिकार बन गया। मिराज में उस स्पीड पर कोबरा मैनूवर, पूरा फ्रेम हिल गया होगा यार। हाँ वो हिल गया था, लेकिन मैंने इतनी देर से कर क्या रहा है? अपनी गर्लफ्रेंड्स की एल्बम ठीक कर रहा है, छोड़ना उसे, आगे बोल। हे सैमी। वाओ। व्हाट? मत देख मत देख, आज ही बेस पे आया है, क्यों मुसीबत को इनविटेशन कार्ड भेज रहे हैं? हुशी यार, इंट्रो तो करवाओ। सुन रहे हो, एनजी से इंट्रो चाहिए इसे?
क्या पिया जा रहा है बाड़ी? संभियो, मैं ऑफर द लेडी अ ड्रिंक। मर्दों वाली कोई हार्ड ड्रिंक ऑफर करने के गुस्ताखे नहीं करूंगा। आप जूस वूस तो पी सकती है ना? मर गया। ओ, आप मर्दों वाली कौन सी हार्ड ड्रिंक पीते हैं? जान सकती हूँ। मैं टकीला पीता हूँ। तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? इधर आइए। हाय, फ्लाइंग ऑफिसर कुणाल तिवारी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अंजना रावत। नाइस नेम। प्लीज सिट। थैंक्स। रमेश, टकीला। जान दें जी। जो पहले पीना बंद करेगा वो सारी ड्रिंक्स के लिए पे करेगा। आई लाइक इट। श्योर। Cheers. Cheers. हो गई बत्ती गुल। चल भाई, कंधा देने का टाइम आ गया। मर्दों वाली हार्ड ड्रिंक। भंजा लड़ाएगा? रमेश, बिल से आपके अकाउंट में। इसको संभालो यार, मैं मैम को घर छोड़ के आ रहा हूँ। छोड़कर आता मतलब? तुम्हें क्या लगता है मुझे जल्दी है? बिल्कुल नहीं। उठा उठा, कम ऑन, गेट आउट ऑफ योरसेल्फ। बस हो गया, अभी घर चल। ये सब करने की क्या जरूरत है? बड़ा भारी है यार ये। कुणाल, अपना विशाल होता ना कुणाल, तो इसके वजन की एक कविता सुना देता। अरे हाँ, आ कब रहा है अपने शायर दिन? आपको ये शिकायत है ना कि शादी के फौरन बाद काम की वजह से हनीमून का वक्त नहीं मिलेगा? तो बस बंदा आपको ऐसी जगह पे ले आया है जहाँ काम हो या ना हो हनीमून खत्म नहीं होगा। गलत बात। हमने कब शिकायत की आपसे? हम तो आपसे कयामत तक शिकायत ना करें। ऐ वाजे नादा करते हो, तुम्हें कयामत का चर्चा। यहाँ रोज निगाहें मिलती हैं, यहाँ रोज कयामत होती। भाई वाह, ए मजा आ गया। कश्मीर की हवा में शायरी की खुशबू आई, मैं समझ गया तू आ गया। बस कर, क्या हाल है तेरा? चाली सब ठीक है? एकदम फिट। हाय नुपुर। हाय, हाउ यू डूइंग? आई एम फाइन। वेलकम वेलकम वेलकम। भाई नुपुर, जब से तुमने होश संभाला तुम इसे भी जानती और मुझे भी जानती, फिर तुमने इस दफर को क्यों चुना? अब क्या कर सकते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने हेड एंड टेल्स कर लिया। अब तुम टॉस हार गए तो मैं क्या कर सकती हूँ। टॉस हार ही गया। हाँ चलना भी बहुत हो गया, सामान उड़ा और चल। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विशाल देव। हाँ जी, प्लीज आइए हमारे साथ। You are under arrest. What? क्या तमाशा है? There must be a misunderstanding. जी नहीं, इनके खिलाफ हमारे पास पक्के सबूत हैं। What are the charges? क्या जुर्म है? Treason, गद्दारी, Air Force के secrets को दुश्मनों को बेचने की साजिश। What? हाँ, हाँ ये सच है। मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। दिमाग खराब हो गया था। पहली बार तो तकलीफ हुई, फिर रकम बढ़ती गई और लालच भी। बस गलती हो गई यार। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। सारी जिंदगी अपने से ज्यादा तुझ पर भरोसा करता था मैं, और ये इसकी क्या गलती थी? अब ये क्या करे वो भी बता दो ना इसे। नुपुर, अपने साथ साथ मैंने तुम्हें भी धोखा दिया। मैं जानता हूं। प्लीज सुन। आई एम सॉरी। आई लव यू। नुपुर लिसन। नुपुर
Get a hold of yourself, please. Please. तुम इस तरह से टूट जाओगी तो जिंदगी से मुकाबला कैसे करोगी? मैं क्या कर सकती हूँ? चार्ली, तुम जानते हो ना, घर वालों से झगड़ा करके विशाल से शादी की थी। अब क्या करूं? किसके पास जाऊं? किससे मिलूं? नूपुर, जो भी हो, तुम एफओस फैमिली की मेंबर हो। आज शाम को हमने तुम्हारे और विशाल के लिए मेस में पार्टी रखी थी। लोग तो जमा होंगे ही। तुम्हें एओसी से मिलना चाहिए। ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हम सब यहाँ आपका एयरफोर्स फैमिली में स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए थे। जो कुछ हुआ इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड। हम सब आपके साथ हैं। इफ यू नीड एनीथिंग प्लीज। तो विशाल का क्या होगा? सावंत, देखिए, अब ट्रीजन के केसेस में डेथ पेनल्टी, फायरिंग स्क्वाड, लेकिन अपने आप को संभालो। इधर आओ, यहां बैठो। टेक इट इजी नाउ, बैठो, जस्ट रिलैक्स। कम ऑन नूपुर, बी ब्रेव। नूपुर, मेरे ख्याल से तुम्हें विशाल को तलाक दे देना चाहिए। एक गद्दार की विधवा कहलाने से तो अच्छा है ना? और फिर इन एनी केस हम दोनों शादी कर ही लेंगे। व्हाट? यार दिस इज नॉट फेयर यार। बीच में हंसना अलाउड नहीं था क्या? थोड़ी देर और रुक नहीं सकते थे? सॉरी मैम, सर्विस का एक ट्रेडिशन है कि नई ब्राइड के साथ प्रैंक यानी मजाक किया जाता है, और आपके केस में थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया। आपका मतलब? रोने वाले, तुझे रोने का सलीका भी नहीं, अश्क पीने के लिए हैं या बहाने के लिए? वाह। एंड नूपुर, ये है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सेना मैम, एंड फ्लाइंग ऑफिसर कुलदीप मैम। पार्ट टाइम एयरफोर्स पुलिस की यूनिफॉर्म भी पहन लेते हैं। सॉरी मैम। सॉरी मैम। चार्ली, आई विल किल यू। कम ऑन, मजाक ही तो था। इट्स ऑल इन गुड फन। यू ओके? ओके ओके ओके, चीयर हर अप, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। सर, सॉरी मैम। बॉयज, allow me to leave. Enjoy yourselves. Sir. Oh, thank you. Okay, good night. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night. ऐसे नहीं भाई, अच्छे खासे कवि हो, इनका मूड ठीक करने के लिए कुछ सुनाओ, वो भी गा के। Don't be silly. मैं तुझे सिर्फ लड़का देखने को कह रहा हूँ, उसके साथ मंडप में बैठा थोड़ी रहा हूँ। पर क्यों देखो लड़का, कोई जबरदस्ती है? अरे भाई, आज तक तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती हुई है क्या? डैड, आपको पता है ना, आई डोंट लाइक पायलट्स। मुझे किसी पायलट वायलट से शादी नहीं करनी। अरे बेटा मत करो, फैमिली के साथ पुराने ताल्लुकात हैं, एक बार मिल लेने में क्या हर्ज है? जब तक आप एयरफोर्स में रहे, मॉम को कितनी प्रॉब्लम हुई थी ये मैं जानती हूँ। एक ट्रांसफर से दूसरा, दूसरे से तीसरा। नो थैंक्स, मुझे बंजारों की जिंदगी नहीं जीनी। ओके फाइन, देखो आज रात को वो डिनर पर आ रहा है, एक कमिटमेंट समझकर पूरा कर दो। और समीर,
How's that? He's fine, sir. आज ही उनका फोन आया था कि हाँ, मैं और वो इकट्ठा फ्लाई किया करते थे. Yeah. Those were the days. क्या हुआ? Any problems? मुझे ये फ्लाइंग की कहानियाँ बहुत बोर करती हैं. Oh, really? Really? पापा आपको शायद ये ना बताए, लेकिन with all due respect, मुझे ये फ्लाइंग और पायलट्स में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है. Oh, come on, Surbhi. No, no, sir. It's not a problem at all. हर इंसान को अपने अपनी पसंद और नापसंद का हक है. And between you and me, मुझे भी बेकार फ्लाइंग की कहानियों का शौक नहीं. अगर मैं आपसे वादा करूं कि फ्लाइंग और एयरक्राफ्ट के बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, तो क्या आप मेरी कंपनी थोड़ा और वक्त झेल पाएंगे? डील डन. दत तेरे की. कहते हैं इश्क में मार खाओ तो पत्तों में लॉटरी लगती है. अपनी तो साली दोनों दुकानें बंद है यार. ओए देख देख जरा, लगता है सेवों की खेप आ रही है. क्या है भाई इसमें? क्या है? साबू कुछ नहीं, सेब है. मीठे मीठे हैं. चल आ जा, जरा दिखा. चल मैं दिखाता हूँ. साला अच्छे भले पत्ते खेल रहे थे ये भी. खोलो खोलो कहाँ से. चल खोल के दिखा रहे. खोल के दिखाओ. खोलो खोलो साहब, माल खराब हो जाएगा साहब. अरे खोल ना. देखो साहब सेब ही साहब. हाँ सेब ही तो है, लेकिन देखे साहब मीठे है कि नहीं, ला जरा देखूं. अरे यार ये तो वाकई बहुत मीठा है. अरे मीठे हैं तो एक पेटी निकाल ले, शाम को ससुराल वाले आ रहे हैं. चल जल्दी ये पेटी नीचे उतार. क्या साहब? साहब देखो हम बहुत गरीब आदमी हैं साहब, ऐसा मत करो साहब. इसीलिए तो एक मांग रहा हूँ, दस नहीं मांगी तेरे से. चल नीचे उतार साहब. खाने के लिए साहब. चुप, बोल नहीं कोई भी. तेरी तो ये और कुछ नहीं जानता सर. हाँ इतना पता चला है कि आरडीएक्स और दूसरा असलहा फौज की किसी बिल्डिंग पर हमला करने के लिए लाया गया है, लेकिन इस वक्त श्रीनगर में वो कहाँ और किसके पास है कुछ पता नहीं. आर्मी और एयरफोर्स की तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अलर्ट कर दो. ये साले कब कहाँ किसका निशाना बनाएंगे पता नहीं. सिक्योरिटी जितनी टाइट हो कम है. सर एयरबेस के पैरामीटर पर गश्त बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी के बंदोबस्त और भी कड़े कर दिए गए. सिक्योरिटी का जिम्मा क्योंकि स्क्वाड्रन लीडर सावंत का है. सर I have given him a free hand. Savan? Sir, operation ke requirements dekhte hue maine flying officer Kunal Tiwari ke sath duties baant li hain. Sir. Security cover double ho gaya hai, lekin hamari flying duties par koi fark nahi padega. Good. Carry on. सैमी बॉय, ब्रेकफास्ट गले में आ गया क्या? ब्रेकफास्ट? लंच के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे. What the hell guys? Stop this now. रेडी है? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? जी फोर्स के झटके से बेहोश तो नहीं हो गए सैमी बॉय? झटका इसे कहते हैं बेटा सेठ. फॉलो मी. Enough you bloody idiots. Land. Land now I see. बर्दाश्त नहीं होती. नंबर वन से मुकाबला. पायलट बने फिरते हैं. नंबर वन माय फुट.
जिंदगी में साइकिल की रेस कभी जीती नहीं। जबान चलाने में नंबर वन है आप। क्या क्या बोला? चल बे। Come on guys, grow up, तुम लोग आपस में बच्चों की तरह झगड़ा करना बंद कब करोगे? इस जन्म में तो नहीं, और बच्चों की तरह मतलब बच्चे तो हैं। Come on भाई, ये गलत है। Bye. Bye. देखो गलत और सही का तुम लोग फैसला करो, मैं तो चला। अपने पास फालतू का टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। ओके सी ऑल। अच्छा तो हमारे साथ बिताया हुआ टाइम वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। सारा ध्यान कहाँ है सब पता है हमको। और सुनो, भाभी को मेरी तरफ से घटिया सी कविता सुना देना, समझे? सुना दूंगा। और आपकी सवारी किधर जा रही है? जम्मू, वीआईपी पिकअप है। अच्छा कल तो मुझे वो टैक्टिकल वॉरफेयर की किताब देने वाले थे, कहाँ गायब हो गए थे? कुछ नहीं यार, ऐसे कुछ काम था। अरे ऐसा क्या काम था कि तुम बिना बताए गायब हो गए? खास कुछ नहीं, सडनली फोन आ गया था तो जाना पड़ा। डैड ने रिश्ते की बात चलाई थी तो वो लड़के से मिलने उसके घर जाना पड़ा, यहीं श्रीनगर में। डैड के पुराने दोस्त हैं तो डिनर वगैरह की फॉर्मेलिटी थी। एनीवे आज देता हूं तुम्हारी किताब। इट्स ओके, आई एम गेटिंग लेट। इसे क्या हो गया? उसकी फ्लाइट है, तुम्हारा पेपर वर्क है और मेरी छुट्टी है। इस सुहाने मौसम का फायदा उठाते हुए तुम कागज पे कलम घिसो और मैं श्रीनगर का चक्कर लगा के आता हूं। ओके मुझे पूरा यकीन है कि मुझसे ज्यादा आप पर अच्छा लगेगा। थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं किसी से फेवर्स नहीं लेती। अरे इसमें फेवर की क्या बात है, लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगता है तो आप ये मफलर रखने की खुशी में मेरे साथ एक कप कॉफी पी सकती हैं। हिसाब बराबर, नो फेवर्स, ओके? कॉफी वेरी नाइस। जिंदगी भी एकदम कॉफी की तरह है ना, स्वाद ना आए तो कड़वी और आदत पड़ जाए तो इससे कमाल की चीज और कोई है ही नहीं। इंटरेस्टिंग फिलॉसफी, आपकी कॉफी कड़वी है या मीठी? आपकी कंपनी और इस माहौल में कॉफी का कड़वा होना नामुमकिन है। बाय द वे मैं आपका नाम नहीं जानना चाहती। जी पहले आप अपना नाम बताएंगे, फिर मेरा जानना चाहेंगे, फिर नंबर, फिर पता। सॉरी, डील सिर्फ एक कप कॉफी की थी जो हम पी चुके। आप किस्मत में बिलीव करती हैं? डेस्टिनी? मेबी। मेरा मानना है कि हमारा मिलना लिखा है। भगवान, किस्मत, जो चाहे कह लें, हम सबको किसी ना किसी मकसद से मिलाते हैं। और मेरा और आपके मिलने का मकसद सिर्फ एक कप कॉफी का प्याला हो, कुछ यकीन सा नहीं होता। वो आपकी प्रॉब्लम है। सब अलाउ याद है, नो फेवर्स। ये मेरे कॉफी के पैसे। बाय बाय, सी यू। एक्सक्यूज मी, नंबर नहीं तो कम से कम नाम तो बताते जाइए। अगर आपकी सो कॉल्ड डेस्टिनी ने दोबारा मिलवाया तो नाम भी पूछ लीजिएगा और नंबर भी। ऊ ला ला, भगवान यार तुम भी बहुत जाती करते हो कभी कभी। ऐसा नहीं चलेगा। हाँ